जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, लाइफ को पूरा एंजॉय करेंगे। मैं आपका दोस्त हूं आपका भाई सुनील पर फिर नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल में अभी अभी वो नए नए आए ना, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन हिट जरूर करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आ रहा हूं जो एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, माइंडसेट और मोटिवेशन के ऊपर है। तो अगर मेरा प्यारा भाई बहन वीडियो मिस नहीं करना चाहता और खूब सारी नॉलेज बटेरना चाहता है, तो अभी कभी सब्सक्राइब करो और इस घंटी को टन जरूर करो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप एक समय में कितने नीश को प्रमोट करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, तो मेरी आदत ये है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू दे सकूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं देर सवेरे आज नहीं कल परसों नहीं तरसों आपके लिए उस पे वीडियो जरूर लेके आऊंगा। क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, वो हमारे बहुत सारे भाई बहनों का होता है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन से कई लोगों को सोल्यूशंस मिल सकते हैं। क्वेश्चन ही तो जब क्वेश्चन होगी तो आंसर निकलेंगे ना, निकलेंगे। इट्स अ फैक्ट। ओके, सो हम इससे फोकस करते हैं। बट इस पे आने से पहले मैं आपको बार बार बोलता हूं, फिर से एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको कामयाब होना है ना, अगर आपको कामयाब होना तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस होना पड़ेगा, आपको अनफोकस नहीं होना। अगर तो आप प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हो, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ये मत लेके चलो कि यार ये ओवरनाइट सक्सेस है, रातों रात आप यहां पे कामयाब हो जाएंगे, ऐसा यहां पे नहीं है। यहां पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीख के अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आप लाइफ में चाहते हो। मुझे पता आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, मुझे पता आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, मगर जोश में काम नहीं होगा। यहां पे आपको होश भी चाहिए, यहां पे जस्ट ये नहीं कि आपके पास एनर्जी है, मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं ऐसा कर लूं 10-15 नीश इकट्ठे करके उसको प्रमोट कर लूं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप सोच के तो बहुत कुछ आते हो, मुझे पता है, मैं भी ऐसी था, मैं बहुत कुछ सोच के आया था मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। सच्चाई कुछ और है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी एफिलिएट मार्केटिंग से कमाता, हर आदमी यहां से अच्छी सेल निकालता और हर आदमी का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, क्योंकि उसको लगातार सेल मिल रही है। अगर इतना इजी होता तो भाई ये लेके चलो कि जो सक्सेसफुल रेशियो एफिलिएट मार्केटिंग में वो 1-4% नहीं होती, वो बहुत ज्यादा होती। तो आप ये मान बैठा के चलो, जो मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। देखिए, तीन स्टेजेस हैं। एक तो है बिगिनर, अगर आप यहां पे बिगिनर है तो आपको क्या करना है। अगर आप यहां पे इंटरमीडिएटर है तो मींस कि एज अ बिगिनर आपको अभी 2-3 महीने हुए हैं जहां स्टार्ट किया है, इंटरमीडिएटर है आपको 6 महीने से लगभग साल हो चुका है, ठीक है, और आप प्रोफेशनल यानी कि आप एडवांस हो चुके हैं। तो एडवांस मींस कि आपको यहां पे 2-3-4-5-6 साल प्लस जितने भी हो चुके हैं आप इस लेवल पे हो। तो आप अपने आप को देखिए कि आप किस स्टेज पे आ रहे हैं। अगर आपने शुरुआत की आपको 3-4 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, अगर आप स्टिल बिगिनर है और आपने अभी तक टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, अभी तक आपने सेल्स फनल, लैंडिंग पेज, ब्लॉग और ट्रैफिक को कैसे लेके आना, उसको वैल्यू देना नहीं सीखा, तो अभी तक आप बिगिनर ही हैं। और अगर आप इंटरमीडिएटर हैं, आप लगातार गलतियां कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने ब्लॉग इंप्रूव कर रहे हो, अपनी वेबसाइट इंप्रूव कर रहे हो, अपने लैंडिंग पेज को इंप्रूव कर रहे हो, अपने ईमेल के सीक्वेंस को इंप्रूव कर रहे हो, तो आप इंटरमीडिएटर हो। और आप अगर प्रोफेशनल हो चुके हो, आपने बहुत सारी गलती की है और बहुत कुछ सीख चुके हो और लगातार सेल निकालते चले जा रहे हो, तो आप एडवांस लेवल पे हो। तो इन लेवल के हिसाब से अपने नीश को डिवाइड कीजिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं सजेशन दूंगा, एक नीश प्रमोट कीजिए। अगर आप लगातार सीख रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं तो यहां पे 1-2 नीश इससे ऊपर मैं आपको सलाह नहीं दूं। देखिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। ओके, सो एज अ इंटरमीडिएटर आप 3-5 नीश तक प्रमोट कर सकते हैं और एज अ एडवांस आप जितने मर्जी नीश प्रमोट कीजिए आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास बहुत सारा तजुर्बा आ जाता है, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको पता है कि मैंने कैसे हैंडल करना है, आपको पता है कि मैंने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे कैसे डालना है, ये आप सब कुछ सीख चुके होते हो। तो देखिए, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं, इस सिस्टम को ध्यान से समझिए और इसको चेक कीजिए करना क्या है, और आपकी एनर्जी, टाइम और वैल्यू, ये तीन चीजें, एनर्जी, टाइम और वैल्यू बहुत ज्यादा कीमती है, इसको वेस्ट मत जाने, इसको खिलारो मत। अगर आप 10-15 नीश, 2-4 नीश, 5 नीश को प्रमोट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं निकलेगा। उसमें क्या कर रहे हो आप, लिंक तो शेयर कर रहे हो, तो लिंक तो पहले भी शेयर कर रहे हो, तो लिंक से रिजल्ट नहीं आ रहा, ये आप ही जानते हो।
आप सोशल मीडिया पे जो लिंक शेयर करते हो आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं भी कर चुका हूँ, ये सारे पापड़ बेल चुका हूँ। लिंक शेयर करने से सेल नहीं निकलती है। आपके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस एफिलिएट मार्केटिंग पर तैयार किया, आप उनको स्टडी कीजिए, उनको रीड कीजिए। उसके अलावा इतने सारे भाई बहन है जो प्यारा प्यारा कंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर देते हैं, आप उसको स्टडी कीजिए। देखिए मैं आपको समझाने का चाहता हूँ, देखिए दो तरह के ट्रैफिक है, एक है फ्री ट्रैफिक और एक है पेड ट्रैफिक, राइट। ये फ्री और पेड ट्रैफिक, फ्री में क्या है, आपका काम स्लो है, आपको जो सेल्स है लीड्स स्लो मिलेंगी, आपको यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट देना होता है। और जो पेड ट्रैफिक है ये फास्ट है, यहाँ पे आप इंस्टेंट सेल्स निकाल सकते हो, क्योंकि फ्री में आपका फेसबुक है, ट्विटर है, आपका इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब है, कोर है, तो बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज ऐसे होते हैं। तो पेड में गूगल एड्स है, बिंग एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, आपका फेसबुक एड्स है, तो और भी एड्स के सोर्सेज है जिसको हम यूज करके पेड ट्रैफिक इंस्टेंट सेल निकाल सकते हैं। बट इसको ध्यान से सुनो, ये जो ट्रैफिक आ रहा है कहां पे लैंड कर रहा है, ये जो ट्रैफिक अपन लैंड कर रहा है ये ब्लॉग के ऊपर कर रहा है, ये वेबसाइट के ऊपर कर रहा है, ये लैंडिंग पेज के ऊपर कर रहा है, ये सेल्स फनल के ऊपर कर रहा है, तो कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा। आपको ट्रैफिक लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, यहाँ पे तो बहुत करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको पैसे लगाने पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी एड काम करिए, कौन सी एड काम नहीं करिए। आपको पता कि फेसबुक बार बार ब्लॉक कर देता है, गूगल कर देता है, बिंग कर देता है, अगर आपका लैंडिंग पेज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये बार बार आपको ब्लॉक करेंगे, राइट। तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो आपका ज्यादा समय कहां लगता है, ज्यादा समय सबसे पहले आपको एक अच्छा सा कंटेंट तैयार करने में लगता है, कि मैं बढ़िया सा कंटेंट तैयार करूं, एक वो चीज तैयार करूं जो कस्टमर ढूंढ रहा है, और उसको मेरा वो जो उसको सोल्यूशन है जिसकी वो सर्च कर रहा है, उसको मेरे वो पेज, वेब पेज जो कि उसका आपका वेबसाइट है, ब्लॉग है, लैंडिंग पेज है, वहां पर उसको मिलना चाहिए। तो आपका मैक्सिमम समय कहां पर लगेगा, पहले यहां पर लगेगा। आपको पूरा किसी गेस्ट को घर, जब आप किसी गेस्ट को घर बुलाते हो तो पूरे घर की सफाई करते हो ना, टिप टॉप पूरा घर बना देते हो, होता कि नहीं होता। तो आपको अपना घर बिल्कुल टिप टॉप बनाना है, जब आप यहाँ पे गेस्ट बुलाएंगे तो गेस्ट को अच्छा लगे, वाह 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 क्या घर है, इन द सेंस की क्या यार इसने नॉलेज दे रखी है, क्या वेबसाइट पर कंटेंट डाला हुआ है, क्या मटेरियल है, मेरी तो यहाँ प्रॉब्लम सारी सॉल्व होगी। तो आपका नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपके पास एक नीश है, तो आप एक बढ़िया टाइम दे पाओगे, बढ़िया कंटेंट तैयार कर पाओगे, एक से दो नीश चलेगा, इसके ऊपर नहीं। देखिए नीश, नीश का मतलब समझिए, नीश अलग चीज है, प्रोडक्ट अलग चीज है। नीश मीन्स मान लीजिए आपका एक नीश है हेल्थ एंड फिटनेस का, राइट, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, वेट लॉस के आ गए, सिक्स पैक के आ गए, जिम इक्विपमेंट्स उसमें आ गए, आपकी योगा क्लासेस उसमें आ गए, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, उसमें आपके सप्लीमेंट्स आ गए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द हेल्थ एंड फिटनेस नीश। तो नीश के ऊपर अगर आप ये चीज तैयार करते हो तो भाई आपको बहुत सारा कंटेंट देना उसमें। देखिए एक तो है कि सिर्फ एंड सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना, आप वो भी कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है, मगर आप एक नीश में दो तीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहो तो अपनी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग बनाओ, उस आदमी जो आपका ट्रैफिक यहां पे आ रहा है उसको हर चीज यहां पे मिले, तो आपका मैक्सिमम समय यहां पे लगता है। और दूसरा आपका समय कहां लग रहा है फ्री ट्रैफिक में, लोगों को यहां बुलाने के लिए, यहां भी आपको वैल्यू देनी है, मैं लास्ट वीडियो में रखने वैल्यू कैसे देनी है, और भी आपको जो कंटेंट शेयर करने हैं, कैसे प्रमोट कर रहे हैं, वो सारा काफी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो आप देखिए सारा वीडियो सेक्शन में जाके। तो यहां पे अगर आप यहां पे लेके आ रहे हो तो आपको बहुत समय लग रहा है, यहां पे लग रहा है ना, तो यहां पे आपको समय लगे, क्यों, यहां पे क्या है, जब आप यहां पे आदमी को आओगे तो आप आदमी का ईमेल कैप्चर करोगे, तो बाद में उसको क्या करोगे, फॉलोअप करोगे, तो उसके बाद सेल निकालोगे। तो जो आप ईमेल कैप्चर करके ईमेल सीक्वेंस चलाओगे ईमेल ऑटोरिस्पोंडर के थ्रू, तो वो सीखे, उसके लिए आपको ईमेल तैयार करनी पड़ेगी, लगातार उसको फॉलो करना है, उसको भी ईमेल से बढ़िया बढ़िया कंटेंट देना है, बढ़िया बढ़िया बातें बतानी है, तो आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। तो तभी कहते, अगर आपके पास टीम है चार पांच लोगों की, तो आप भाई चार से पांच कंटेंट अपना नीश प्रमोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अकेले हो तो आप ये देखो कि तो आपका जो टाइम एनर्जी एंड मनी है वो कहां पे लगे, आप देखो कि आपका टाइम एनर्जी कहां लग रहा है, इन चीजों में लग रहा है, ट्रैफिक लाने में लग रहा है। अगर यहां पे हम अगर पैसा मनी लगा रहे हैं तो भाई यहाँ पे उसको वैल्यू चीज देनी है ना, तो अगर आप इस चीज को जितना बेटर बनाओगे, देखो यहाँ पे तो इंस्टेंट ट्रैफिक आ गया, आपने अगर कोई चीज छोड़ दी इतना समय लगाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, तो आदमी आगे चला जाएगा। तो आपको मैक्सिमम टाइम इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना है, अपने ईमेल फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना है, बेटर से बेटर कंटेंट देने में लगाना है। अगर आपके पास टीम है तो आप चार पांच नीश प्रमोट कर लो, तो जब आप इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंचते हो तो आपने बहुत सारे गलतियां की होती है, आप सीख जाते हो कि यार मुझे यही करना है, यही करना है, क्योंकि आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ट्राई कर चुके होते हो, आप अपने सिस्टम को यूज कर रहे होते हो, आप अपने टूल्स को यूज कर रहे होते हो, आपको पता है कि आप वेबसाइट पे क्या करना है, आदमी को कैसे पकड़ना है, उसका ईमेल आईडी कैसे कैप्चर करना है, आपको पता है कि हमें
उसको सेल्स फनल में लाके उसका ईमेल आईडी कैसे कैप्चर करना है, उसको थैंक यू पेज पे कौन सी वीडियो देनी है, तो आप काफी गलती सीख चुके होंगे। तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज पे 3 से 4 या 5 प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आप उतना हैंडल कर सकते हो, आपको पता है एक्सपीरियंस के थ्रू वो आप कैप्चर, वो आप सब कुछ कर लोगे। तो जब आप एडवांस स्टेज पे आते हो, तो एडवांस स्टेज पे आके आप चाहे 10 प्रोडक्ट को प्रमोट करो, चाहे 15 करो, 20 करो, ये आपके ऊपर। आपको पता है कि यार मुझे अब सिस्टम ऑटोमेशन मोड पे कैसे डालना है, आपको पता हो चुका होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और आपको क्या देना है, उसको पकड़ना कैसा है, और आपको सारे वो दाव पेज जो स्ट्रेटजीज हैं, टैक्टिक्स हैं, आप सीख चुके होते हो, तो इस स्टेज पे आके जो मर्जी करो। देखिए, अगर टाइम पास करना है तो जितने मर्जी लिंक प्रमोट करो, अगर पैसा कमाना है तो इन बातों पे गौर करो, क्या आपकी ये चीज स्ट्रांग है। अगर आप 2 या 3 नीश प्रमोट कर रहे हो तो हर नीश के ऊपर आपने इन चीजों को स्ट्रांग किया हुआ है, ब्लॉग पे वैल्यूएबल कंटेंट दिया हुआ है, वहां पे अपने शेयर लॉकर लगा रखा है, जो भी इसके टूल्स होते हैं, ब्राउज़र नोटिफिकेशन वगैरह, तो वो आप कर रहे हो, वेबसाइट पे ऐसा कर रहे हो, लैंडिंग पेज पे ऐसा कर रहे हो, तो ये चीज अगर आपने कर ली तो भाई नीश जितनी मर्जी प्रमोट करो, कोई इशू नहीं है। टाइम, एनर्जी एंड मनी बहुत वैल्यूएबल है, ये आप कहां पे लगा रहे हो, इसको समेटो, इसको फोकस करो एक जगह के ऊपर, ना कि इसको फोकस करो हर जगह के ऊपर। जब आप बड़े बिजनेस में, देखिए जब आपको बिजनेस शुरू करते हैं, एक छोटी एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपका बिजनेस है ना, तो आप शुरुआत कैसे करते हैं, एक बिजनेस से करते हैं, होता कि नहीं होता। अंबानी है, अदानी है, जितने भी हमारे तगड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके आपको पता मल्टीपल बिजनेस है, पर वो शुरुआत कैसे करते हैं, एक कारोबार से करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए, जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, तो सीखते चले जाते हैं, उनका लर्निंग पावर तेज होता चला जाता है, उनको पता है कि मैं इस बिजनेस को हैंडल कर लिया, अब मुझे अगला स्टेप है, अगला बिजनेस खोलना है, वही आपका स्टेप आ गया, मुझे अगला प्रोडक्ट पकड़ना है। तो जब आप उसमें माहिर हो जाते हो, तो आप तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसे वो बिजनेस एक्सपेंड करते हैं अपने, आज उनके चाहे वो 100 बिजनेस है, 200 बिजनेस है, इजिली मैनेज कर लेते हैं, उनको पता है दंग आ गया, बट शुरू में उनको नहीं पता था, पर स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते चले गए। यही तो आपको करना है, ये आपको समझना है, शुरू में एक को पकड़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे, क्योंकि हमें यहां पे मल्टीपल इनकम सोर्सेस चाहिए। ये फैक्ट है कि हमें यहां पे मल्टीपल एफिलिएट मार्केटिंग से मल्टीपल इनकम सोर्सेस चाहिए, तो वो एक प्रोडक्ट से तो आएंगे नहीं, तो हमें क्या वो मल्टीपल इनकम सोर्सेस 4, 5, 6, 7, 8, 10 निश्चित अगर हो वहां से आएंगे, एक नहीं बिका दूसरा बिकेगा, दूसरा तीसरा बिकेगा, पर वहां तक पहुंचने पहुंचते आपको जो तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए इन चीजों को हैंडल करने के लिए, वो धीरे धीरे आएगा ना। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को फिर से देखना, जो मैंने बताया कि बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, एडवांस इंटरमीडिएट हो तो आप खुद को पहचानिए है कि मैं किस लेवल पे हूं, किस स्टेज पे हूं, आप उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। एकदम से हर चीज को, प्रोडक्ट को प्रमोट मत कीजिए, ये मेरा आपसे अनुवादन है, राइट। मैं चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल हो, मैं चाहता हूं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले, बट सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स कर रहे हैं। तो जब आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने शुरुआत एक चीज से की थी, जब आपके दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे ना, और आपको सीखते चले जाओगे, जब घोड़े बहुत तेजी से दौड़ेंगे तो आप भी हर बिजनेस को हैंडल इजिली कर सकते हो। एग्रीड, पॉइंट समझ गए? तो यहां पे आप मेन फोकस करो इन चीजों के ऊपर, अपने कंटेंट को, अपने टूल्स के ऊपर मेन फोकस करो, अपने बिजनेस को पहले ऑटोमेशन मोड पे लाने की कोशिश करो। जब आपका एक नीश ऑटोमेशन मोड पे आ गया तो दूसरा नीश पकड़ो, वो आ गया तो तीसरा पकड़ो। तो यहां पे एक चीज और समझ लो, जब आपका, मान लीजिए आपका एक नीश है, आपको उस नीश से, आपको उस नीश से मान लो महीने की 10 सेल्स निकल रही है, 10 से 15 सेल्स, बहुत बड़ा ये डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, 10 से 15 सेल्स निकालनी इजी नहीं है। जब आपके महीने की 10 से 15 सेल्स निकलनी शुरू हो जाए ना, तो भाई आप दूसरा नीश पकड़ लो, कोई इशू नहीं है। और जब आपकी यहां पे इसकी भी 10 से 15 सेल्स निकलनी शुरू हो जाए, तो भाई आप यहां पे तीसरा नीश पकड़ लो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा सेल निकालनी कैसे है, ये इजी नहीं है, इट्स नॉट अ इजी टास्क, राइट। तो जब आप ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, जब आपकी सेल निकले तो अगला नीश पकड़ते चले जाओ। तो एक क्वेश्चन और लोगों का आता है कि मैं सभी प्रोडक्ट एक वेबसाइट पे डाल दूं या अलग-अलग लैंडिंग पेज पे डालूं। देखिए, मैंने बोला कि नीश अगर हैथन फिटनेस का है तो उसमें कई तरह के प्रोडक्ट है। तो जब आप वेबसाइट बनाते हो उस वेबसाइट में आप हर तरह के प्रोडक्ट को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आदमी के वहां टेंशन क्या है, आदमी की टेंशन है कि वो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर चीज चाहता है। तो हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड चाहे वो जिम इक्विपमेंट्स है, चाहे वो आपके वेट लॉस प्रोडक्ट्स है, चाहे वो वेट लॉस एक्सरसाइज है, चाहे वो आपका कोई
पैकेज है फिटनेस के ऊपर, राइट, कोई मील डिजाइन की हुई है, कीटो डाइट है, कुछ भी, तो वो आप अलग अलग पैकेजेस दे सकते हो। तो उस पे पास ऑप्शन है, उसका मेन अल्टीमेट रीजन ये है कि मैं अपनी बॉडी को फिट करना चाहता हूं, तो वहां से वो कोई भी चीज चुन सकता है, तो वो कर लिए। मगर आप अगर आपका नीश अलग अलग है तो उसको एक लैंडिंग पेज वेबसाइट भी मत लेके आइए, उसकी सेपरेट वेबसाइट बनाइए, क्योंकि जो आपके नीश अगर अलग अलग होंगे तो आपका जब वेबसाइट अलग अलग होगा तो आदमी जो उस पे आया है, ट्रैफिक उस पे आ रहा है, जो आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मुझे इस वेबसाइट पे ये चीजें चाहिए। अगर आप एक वेबसाइट पे मिक्सचर सारा डाल देंगे तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए अगर तो आपका कोई बहुत बड़ा पोर्टल है, राइट, आप प्रोडक्ट्स जैसे हेल्थ कार्ड के और बड़े बड़े ई कॉमर्स पोर्टल्स होते हैं जो जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वो उसमें तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, वो अलग चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लिकबैंक जेवीसू के प्रोडक्ट्स की, राइट। तो जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके लिए आप अलग अलग अपना लैंडिंग पेज या अपना अलग अलग वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट एक नीश में है तो उस नीश में दो चार प्रोडक्ट्स डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर नीश अलग अलग है तो आपकी वेबसाइट भी अलग अलग होनी चाहिए, तो तभी बोलते हैं यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो ये चीजें आपको विद द टाइम स्पैन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन चीजों में आप माहिरता हासिल करते चले जाएंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, फिर आप जो मर्जी कीजिए, फिर आप भी, मेरी विश है कि आप अमानी जैसे, अदरानी जैसे आगे राइज करें, मेरी विश है कि आप ढेरों पैसे कमाएं, आप यार लाख रुपए के, आप महीने के लाख रुपए दिन का कमाएं, एक महीने का कमाएं, ये मैं चाहता हूं। बट वो स्टेप बाय स्टेप सीखने से होगा, जोश से ऐसे नहीं करना है, राइट, जोश से आगे नहीं बढ़ना, जोश के साथ साथ होश भी, हाँ जोश से आगे बढ़िए पर जोश के साथ साथ आपको होश भी चाहिए। ये मेंटल अनर्टनेस है ना, ये जो माइंड है, ये बहुत बड़ी चीज है। हर चीज आपको यहां से मिलती है, हर चीज आपको ये देगा, आप लाइफ में जो भी चाहते हो आपको यहां से मिलेगा। तो इसको कूल रखना, इसको फोकस रखना है, अपने टारगेट अपने गोल की ओर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैं कहता हूं कि शुरू में इसको फोकस करो अपने कंटेंट की ओर, आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, आपके पास वो हर एक चीज होनी चाहिए जो लोग सर्च करते करते आपके पास पहुंचे हैं। तो जब आपके कस्टमर पक्के होने शुरू हो गए, आपके पास ईमेल्स का डाटा इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, आप सीख रहे हो यार, अगर आपके पास सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ रही है ना आपकी ईमेल की, सेल्स निकल रही है, तो दैट मींस आप ग्रो कर रहे हो, तो ग्रो कर रहे हो तो मींस आपका एक्सपीरियंस ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस ग्रो कर रहे हैं, तो आपका एक से दो बिजनेस, मीन्स आपका एक से दो निश पकड़ना शुरू होगा, तीन से चार, तो वही चीजें बार बार फिर आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको ये चीज समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फिर पूछ सकते हो, तो हो सकता है मैं वो किसी और वीडियो में कवर कर लूं, नहीं तो वो आपका वो आंसर मैं कमेंट सेक्शन में वो रिप्लाई दे दूंगा। और इन द एंड अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर प्रोडक्ट पकड़ना चाहते हैं, टूल्स चाहते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग पैसिव इनकम चाहते हैं, और मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है, उसमें जाके रजिस्टर्ड हो जाइए, 7 डेज का फ्री ट्रायल है बिल्डर ऑल का, उसमें आप फ्री के टूल्स को यूज करके देखिए, और मेरे साथ अगर आप बिजनेस में कनेक्ट होकर बिल्डर ऑल के खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको प्रॉपर जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसकी जो आपके लिए वीडियोस हैं वो तैयार लगातार करता रहता हूं, और मेरी जो विश है कि जो मेरे साथ एफिलिएट जुड़ेगा, क्योंकि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर सक्सेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बिल्डर ऑल में जो सिस्टम है, जो इसका बिजनेस मॉडल है, वो ऐसा है कि जितना आप ग्रो करेंगे लाइफ में उतना साथ में आपके आपका जो भाई है वो भी ग्रो करता चला जाएगा। तो इट्स अ टीम वर्क। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट एफिलिएट प्रोग्राम की सर्च करें तो नीचे लिंक दे रखा है। आपके इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट फंटास्टिक एंड एनर्जेटिक डे।